हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो गुलाब के ऊपर है, रोज़ के ऊपर। दोस्तों इसको कैसे इतने सारे खूबसूरत फूल आए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस मेरे इस प्लांट में कितने सारे फूल आ रखे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके इस ऐसे रोज़ के प्लांट में इतने सारे फूल आएँ तो आप प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कि देखें आप, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करना है ये देखें, ये नीचे जो हमारा ये है रोज़ है, देखें ये ना क्या होता है कि ग्राफ्टिंग की होती है। नीचे होता है जो देसी गुलाब की कटिंग होती है, उसके ऊपर जो होती है वो होती है इंग्लिश रोज़ की कटिंग। ये देखो ये नीचे से देसी जो रोज़ निकल रहा है हमारा, सबसे पहले हम इसको कट करके बाहर निकाल लेंगे ऐसे। दोस्तों क्या है, अगर हम इसको बढ़ने देते हैं, इससे बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि इससे हमारा जो ऊपर वाला इंग्लिश रोज़ होता है, जो बड़े रोज़ खिलते हैं अलग कलर के, वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, और दोस्तों इसकी गुड़ाई कर हल्की सी अच्छे से तरीके से ऐसे। और अगर हमारे ये देखें गुड़ाई करें, थोड़ा सा खड्डा कर लें इसके आसपास हल्का सा ऐसे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है दोस्तों, क्या करें। ये रोज़ मैंने दीवार के साथ लगा दिया, थोड़ा सा इधर मैंने बाउंड्री वॉल सो की हुई है ऐसे। खड्डा कर लें दोस्तों हल्का सा, थोड़ा सा गहरा। और इसमें क्या करें, आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है वो डालें, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ गोबर की जो पुरानी खाद होती है, काफ़ी एक साल पुरानी हो चुकी होती है, वही खाद यूज़ करें इसमें। दोस्तों देखें कि ये देख ऐसे इसको भर दें खाद डाल से अच्छी तरह से, जो हमारे खड्डा दिया। और क्या करें, ऐसे दो तीन मुट्ठी डाल दें इसके अंदर, क्योंकि जो बर्मी कंपोस्ट होती है इतनी ज़्यादा जैसे कि रासायनिक खादों से एकदम से असर नहीं करती है, और धीरे धीरे से हमारे रोज़ पे असर करती रहती है। ये देखिए ऐसे इसको इसी मिट्टी से कवर करते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से कवर कर दें, क्योंकि जो हमारी खाद डाली हुई है बाद में इसके इससे वो बह ना जाए जो हमने पुरानी खाद डाली थी दोस्तों। ये देखिए ऐसे करके, और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे पुराने जो फूल होते हैं, जैसे कि हमको लग रहे हैं झड़ने वाले, इसको ऐसे झाड़ दें, इसके नीचे की तरफ ये गोली ना बनने दें, जैसे भी सीड जो बन जाते हैं इससे ना बनने दें, इसके टाइम से निकालते रहें, इसको हम कंपोस्ट में यूज़ कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें।